करेंगे इस बीच एक बड़ी खबर का, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गायक सिद्धू मूसेवाला को जमानत मिल गई है। AK-47 चलाने के मामले में ये जमानत दी गई। लॉकडाउन के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सिद्धू मूसेवाला जो कि पेशे से गायक हैं और फायरिंग करते नजर आ रहे थे, एक वीडियो में AK-47 चलाते नजर आ रहे थे। कीर्तिपाल हमारे संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर है हमारे साथ। कीर्तिपाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही सिद्धू मूसेवाला को लेकर? चाहूंगा सिद्धू मूसेवाले को आज जो है पक्की जमानत मिल गई है। पहले उसको कच्ची जमानत मिली थी कि अगर सिद्धू मूसेवाला पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना पड़ेगा, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी कर ली। एक तो कोविड एक्ट लगा था, एक आर्म्स का एक्ट लगा था 188 धारा, और एक असले का एक्ट लगा था, वो जो उसी के तहत जो आज जो सिद्धू मूसेवाले को जमानत दे दी गई है, क्योंकि उसमें जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी कि वो वीडियो में जो असला दिखाया जा रहा है, दिखाया गया था, उसको कोई प्रूव नहीं कर सका कि भी ये असली था या नकली था। उसको नकली पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये एक खिलौना था। जी, लेकिन ये क्या सिद्ध करना होगा कीर्तिपाल कि वो वाकई में AK-47 थी या वो कोई खिलौना था? जमानत किस आधार पर दी गई है? इसी आधार पे, क्योंकि आई विटनेस नहीं था। मेन बात तो ये है कि एक तो कोविड का एक्ट लगा था, एक असले का एक्ट लगा था, उसमें जो है असले का जो है उसमें आई विटनेस कह सकते हैं भी आई विटनेस नहीं था भी, ये असला जो है किसका था या किसका नहीं था, क्योंकि उसमें जो असला वो कहते कि खिलौने से जो है एक फायर जो किया गया है, इसको प्रूव करना जो होता है कोर्ट में जाके, वो प्रूव जो है वो चीज नहीं होनी हुई, और इसी के बिना पर जो है उनको जमानत मिली है। बहुत शुक्रिया कीर्तिपाल आपका इस जानकारी के लिए। कीर्तिपाल हमारे संवाददाता जो कि बता रहे थे कि जमानत दे दी गई है सिद्धू मूसेवाला को, और अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह से इस पूरे केस में अपना पक्ष रखती है। बहरहाल आरोप है पुलिस पर भी और सिद्धू मूसेवाला पर भी AK-47 चलाने का।